नमस्कार भारत देश मुंबई कोयंबत्तूर अस्सां तदितर प्रांताल्लो जरिगिन बांब पेलुल वेनुक नैरोबीलोनी बांब दाड़ी वेनुक करडु कट्टिन टेररिस्ट सुल्तान हस्तमुंदनी इंटरपोल सैतं भाविस्तोंदी प्रभुत्व सुल्तान अरेस्ट चेयडानिकी अन्नी प्रयत्नालु चेस्तोंदी अन्नी प्रधान पट्टणाल्लो रेड अलर्ट प्रकटिंचारु निन्न राजमंड्रि रैल्वे स्टेशन्लो सायंत्रं 7 गंटल समयंलो बोकारो एक्स्प्रेस एक्कुतुंडगा नलुगुरु अनुमानितुल्नि पोलीसुलु अरेस्ट चेशारु वीरंता अंतर्जातीय क्रिमिनल सुल्तान अनुचरुलनि भाविस्तुन्नारु Morning, everybody. Welcome, Mr. Ashok. How are you, sir? Fine. Thank you. Take your seat. Thank you. Mr. Ashok, please go through this file. ये वेंकटरमन? Yes. मंत्री पद के शपथ के लिए वो कल यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं इस यात्रा के दौरान हमें उनके कत्ल होने की गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है वेंकटरमन को मारने की धमकी देने वाला कोई आम नागरिक है नहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्टों का वेंकटरमन से कोई संबंध रहा है ना हाल ही में वो उनसे बाहर आ गए इसलिए धमकी मिली वेंकटरमन को खत्म करने के लिए आतंकवादियों को आधुनिक हथियार भेजे हैं इस सुल्तान ने उसे सीधे टक्कर होने पर आपको शूट करने की इजाजत है दीज आर द ऑर्डर्स मैं कायस्थ कम्युनिटी का प्रतिनिधि होने के नाते ये शपथ लेता हूं कि देश के हर राज्य को अपना राज्य छिछी समझूंगा और शपथ पत्र मराठी में पढ़िएगा तो दिल्ली में लोगों को कैसे समझ में आएगा अच्छा किसी जाति का प्रतिनिधि बोल रहे हो क्या ये ठीक है अरे भगवान मैं इसलिए बोल रहा हूँ कंट्रोवर्सी के लिए वैरायटी है वैरायटी की बात करते हो सब झूठ है मुझे पता भगवान मिनिस्टर झूठ बोलते ही है समझ में आई मेरी बात इसकी ऐसी की तैसी खटारा गाड़ी टाइम क्या हुआ भाई 10:15 मर गया कौन 10:30 बजे आने का बेगम से वादा किया था मैंने देर हो गई तो खटिया कड़ी कर देगी खंबा उखाड़ के जरा अपनी जिप्सी में मुझे बेगम तक पहुंचा दोगे तुम तुझे बेगम के पास जाना है और मुझे बेगमपुर पहुंचना है चल चल जल्दी फोटो इतना गुस्सा क्यों होते हो भाई चलता हूँ ये गाड़ी बेगम के भाई को तोहफे में दे दूंगा उसका गुस्सा काफूर हो जाएगा वेंकटरमन जी की 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 Thank you.
खिलाफत से सरेंडर होगा या मौत को गले लगाएगा। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। दुनिया में आज तक कोई किसी का निवाला नहीं छीन सका है। अभी मेरा नाम बहुत से दानों पर लिखा है। इधर देख, तेरा आखिरी दाना मेरे रिवॉल्वर की बुलेट पर लिखा हुआ है। नहीं भाई, तुमसे पहले भी न जाने कितने पुलिस वाले मुझे पकड़ने आए, लेकिन पकड़ना तो दूर छू तक न सके और आज कब्रिस्तान में सो रहे हैं। तो जैसे कमीनों का खात्मा करने के लिए ही इस अशोक का जन्म हुआ है, तुझे कैसे भी पकड़ के दिखाऊंगा, ये सौगंध है मुझे। खामोश। मैं हूँ सुल्तान, अकबर सुल्तान, जहांगीर सुल्तान, शाहजहां सुल्तान, औरंगजेब सुल्तान, उन सुल्तानों की तरह इस पूरे देश को अपनी मुट्ठी में करके उस पर राज करेगा ये सुल्तान। नो, सुल्तान और सल्तनत चली गई, अब भी वही सब सोचने वाला एक सनकी आतंकवादी है तू। तुझे सल्तनत मिलने वाली नहीं बल्कि मौत। इंसान के 5 जन्म होते हैं लेकिन मुझे 6 मिले हैं, कोशिश करके देख लो। स्टॉप। ब्रह्मा ऐसे लिखते हैं, अल्लाह ऐसे लिखते हैं, यहाँ जो लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। ब्रह्मा ने तेरी मौत इस रिवॉल्वर से नहीं, मेरे इन हाथों से लिखी है। अच्छा देखो तो जरा। अशोक हियर। सर, सुरेश बोल रहा हूँ, सारा इंतजाम हो गया सर। बी केयरफुल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, आउटस्कर्ट्स, हर जगह अच्छी तरह चेक करो। सुल्तान यहाँ से बच के जाना नहीं चाहिए। ओके सर। कचरा मोहब्बत वाला हाथियों में ऐसा डाला, कचरे ने ले ली मेरी जानो। गले में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया। एक तो पहले से ही बेसुरा है, ऊपर से इन्फेक्शन हो गया। सर, आपको मुझ पे थोड़ा मेहरबान होना चाहिए। क्यों, नया टेंडर निकला है? टेंडर वेंडर कुछ नहीं सर, आपके आने से पहले एक दिन इस तरफ, एक दिन उस तरफ, एक दिन इस तरफ, एक दिन उस तरफ आपके आने का इंतजार कर रहा था। सर मुझे इजाजत देंगे और मैं शानदार लजीज खाना अपने हाथों से बना के खिलाऊंगा। जीप क्यों रोक दी सर? इस जंगल में इंसानों को खाने वाले न जाने कितने आदमखोर जानवर होंगे, क्यों ना तुम्हें यहीं छोड़ दूं? समझा कीजिए सर, आप कौन है? फॉरेस्ट ऑफिसर। मैं कौन हूँ? फॉरेस्ट गार्ड सर। हमारे सिवाय जंगल में कोई घूम सकता है सर? अब यही डायलॉग जरा दूसरे अंदाज में बोलो। आप फॉरेस्ट ऑफिसर? मैं फॉरेस्ट गार्ड हूँ सर। यहाँ हम दोनों के सिवा बहुत से खतरनाक जानवर हो सकते हैं सर। वेरी गुड। आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए थे? आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? Oh,
नहीं बाबा, हिरण को नहीं मारना। भागने वाला कौन था? कितने दिनों से इस तरह अवैध शिकार चल रहा है? बताओ, कम ऑन, स्पीक अप। ऐसे क्या देख रही हो? जुबान नहीं है क्या? गूंगी हो क्या? तुम्हें क्या लगता है गूंगी समझ के छोड़ दूंगा? हाँ चलो, कम ऑन, चलो। डिंग डांग डिंग। ये देखो, जुर्म करके जीप में मेरी जगह पे बैठ के आ रही है। क्यों मैडम, जुर्म करने के लिए कोई और जगह नहीं मिली? जंगल में मंगल करके आई। फंस गए, बीच रास्ते में खराब हो गई, टायर पंचर हो गया। बकवास बंद करो, टायर बदलो। बदलता हूँ सर, बदलता हूँ। लगता है राहु काल में निकले थे सर। नो स्टेपनी सर। ओ गॉड, एक काम करिए सर, आप टायर लेके पंक्चर बनवा के आइए। इस लड़की की मैं यहाँ निगरानी रखूंगा सर, क्योंकि जंगल में मंगल मना सकती है ना सर। अब यही डायलॉग जरा दूसरे अंदाज में बोलो। बोलता हूँ, क्या करूँ मैं, फटीचर गार्ड इस टायर को कंधे पे उठा के पंक्चर बनवा के आता हूँ। आप इस हसीना का धमाल देखिए, है ना सर। तो अभी तक रुका क्यों है, जल्दी जा। ये बात है विदाउट फेल। अरे कुछ नहीं, टायर निकलना। अपनी उड़वी को मुसीबत पड़ने पर छोड़कर भाग आया, शर्म नहीं आती? तू तो मर्द कहलाने के लायक नहीं। हीरो से पक्षी तक को नहीं छोड़ते ये मीडिया और पेपर वाले। कल तेरी वजह से हमारी पार्टी वालों को संसद में सर झुकाना पड़ सकता है। अपनी कुटबी को ऐसे ही छोड़कर आ गया है। वो फॉरेस्ट ऑफिसर केस न दर्ज करने पाए, जाके देख, अगर उसने एफआईआर दर्ज कर दिया तो तुझे जेल में कैदियों का खाना मिलेगा। जा, इधर देख, हमारे आदमियों को लेके जा। शांति से मना, प्यार से मना, न माने तो अपनी काबिलियत दिखा देना। केस कैसे भी सॉल्व होना चाहिए, चाहे वो फायर हो जाए। ओके डैडी। अच्छा, सांप देखते ही तुम्हारे मुंह से आवाज निकलने लगी और तुम्हारा गूंगापन भी पलभर में गायब हो गया। कौन हो तुम? क्या नाम है तेरा? गूंगी की एक्टिंग क्यों की तुमने, बोलो। मेरा नाम रेणुका है, कुच्चे गांव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं। आखिरी बस चली गई, कोई जीप से जा रहा था तो लिफ्ट मांगी। मैं ये नहीं जानती थी कि वो आदमी शिकारी है। हिरण का शिकार करके जीप में बैठकर भाग गया। हिरण का शिकार करने वाले का नाम क्या है? रिवॉल्वर तुम्हें मारने के लिए नहीं निकाली, उड़ो उड़ो। उठ नहीं पा रही। क्या हुआ? भूख लगी है, कुछ खाया नहीं, भुट्टे नहीं बनता। कल तो खाना खाया था तुमने। कल तो कब का खाया था, खाने के लिए कुछ ले आओगे? भूख से मरने जाऊं डर लगता है। कहाँ जा रहे हो जी? पूछ तो इतने प्यार से रही हो जैसे मियाँ कहीं बाहर जा रहे हो। संभाल कर रहना, इधर उधर मत जाना, जंगल में बहुत खतरनाक जानवर है। क्या एक्टिंग की है यार, उसका गुस्सा छू करके उड़ गया। ओखियों में खोल आ जाए उल्लू का शबाब उसमें। अरे वाह, मामला कुछ फिट हुआ। ठीक है ठीक है, पहले जल्दी से टायर बदल, जल्दी जाना है, देर हो रही है। यही है ना जो जीप से भाग गया था? ओहो, सिर्फ एक्टिंग नहीं करती, कहानी बनाने वाली राइटर भी हो तुम। हाँ रेनू,
आ जाओ। नहीं जाएगी, जब तक वो कसूरवार पकड़ में नहीं आएगा ये यहीं रहेगी। ये बात है तो हिरन का शिकार इस आदमी ने किया था, चाहो तो केस बुक कर दो। ये हिरन को तूने ही मारा था ना, बोल। मैंने ही मारा था। किस हथियार से मारा? डबल बैरल गन से ना। वो क्या है? जो आदमी बंदूक का नाम तक नहीं जानता उस पर केस डालकर तुम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। बहुत हो गई तेरी अफसरी, बोल कितना चाहिए? जिस हिरन की जान ली है उसकी जिंदगी चाहिए। दे पाएगा? जो जानवर बोल नहीं सकता उसको इतनी कठोरता से मारा है उसका इंसाफ चाहिए। दे पाएगा? जमीन पर गिरा हुआ खून उसके शरीर में वापस चाहिए। दे पाएगा? वो सब तो तू नहीं कर पाएगा, शराफत से सांप के पैर पकड़ ले तू। एक हीरो का बचना तो मुश्किल है पर एक मंत्री के बेटे को फंसाना इतना आसान नहीं है फॉरेस्ट ऑफिसर। देख क्या रहे हो, मारो इसे। सुंदर लग रही हो, तुम्हें देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। जाकर नहाओ, बहुत बदबू आ रही है। बाथरूम कहाँ है? क्या कहा? जंगल में आके शावर बाथरूम पूछ रही हो? पास में ही वाटरफॉल है, चलकर नहा आते हैं। चलो। कितना खूबसूरत।
खूबसूरत नजारा है। यहाँ पानी गहरा तो नहीं है ना? मुझे कैसे पता, मैं तो यहाँ हूँ ना, अब जाके नहाओ। अरे तेरे ठंड लगेगी तो। ए जाओ भाई। अरे मर गया रे। यहाँ पे हो, मुझे छोड़ के आ गए। अरे आ गया तू? हाँ आ गया, आ गया। मैं जंगल में आपको ढूंढ रहा था और आप यहाँ पे हो। हाँ वो वहाँ पे नहा रही है और आप यहाँ बैठे गोपी की लीला का रस उठा रहे हैं। सर ये आपके ड्रेस को क्या हो गया? सर एक काम करिए सर, आप शहर जाइए और आप अपने लिए और मैडम के लिए साड़ी और अपने लिए ड्रेस लाइए सर। अब यही डायलॉग जरा दूसरे अंदाज में बोलो। आप मैडम की लीला का रस लेते रहिए सर, मैं फटीचर शहर जाकर के आपके लिए ड्रेस और मैडम के लिए साड़ी लेकर के आता हूँ। वेरी गुड, तो अभी तक यहाँ पर क्यों खड़ा है? जल्दी जा। अरे जाता हूँ सर। क्या हुआ? सांप अंदर घुस गया। कहाँ? यहाँ पर। हाँ लेकिन वहाँ कैसे घुस गया? ओफो पता नहीं जाएगा क्या, अब अंदर चला गया, मैं क्या करूँ? निकाल लो। मुझे डर लग रहा है, तुम आओ ना। अजय जल्दी आओ ना, आओ ना जल्दी आओ। हाँ आ रहा हूँ, रुको ना। आ गया आ गया। जल्दी आओ ना। अरे चुप पर रहो। अरे ये पानी वाला सांप है, इसे भी तुम्हारी ड्रेस पसंद आई? ना ना बहुत हो गया, अब चलो यहाँ से। हे भगवान। घूर क्यों रहे हो? कपड़े क्यों उतार रहे हो? कैसी लड़की हो, तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छी बात नहीं आती? हाँ मैं उस तरफ जाके अपने कपड़े सुखाता हूँ और तुम उस तरफ जाके अपनी ड्रेस सुखा लो। यहाँ से जाने तक इस शर्ट को पहन के कपड़े सूखने को डाल दो। तुम्हारी नजरों से ही मैं मर जाऊंगी, जाओ यहाँ से। मैंने जो तुम्हारी जान बचाई है उसके बदले में मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मदद? तुम्हारा दोस्त जो यहाँ से भागकर गया कहाँ रहता है? बावा, बावा, ये क्या हो गया बावा? देखा इस छोटी सी उम्र में आपके दोनों पैर चले गए बावा। मेरा पैर। अभी तो सिर्फ पैर गया है, वो शेर तुम्हें पूरा खा जाता लेकिन मेरे साथ में तुम्हें आके बचा लिया। अरे अरे बाबू शेर, उस हिरन को तुमने ही मारा है मान के इस एफआईआर पे साइन कर दो, नहीं तो उस शेर को छोड़ दूंगा। साइन कर दो बाबू, नहीं तो वो शेर तुम्हारी पप्पी ले लेगा और फिर तुम दुनिया से रफू चक्कर हो जाओगे। शहर में मरे तो लाश मिल जाएगी और अगर जंगल में मरे तो लाश भी नहीं मिल पाएगी। मरने से अच्छा है 2 साल जेल की सजा काट लेना बाबा। बाबा साइन कर दो ना। करो जल्दी करो करो। हाँ अंजाना। मेरे पाँव है, मेरे पाँव है, मेरे पैर है। ए द्रोही, धोखा धोखा धोखा। रेनुका ये कौन है नहीं जानती, उसका चरित्र नहीं जानती, ये कहाँ से आया है नहीं जानती, उनके साथ मिलकर मुझे गिरफ्तार करवा रही है। ए मिस्टर, तेरा इतिहास जानकर तेरी कहानी लिख डालूं।
जवाब दो, तुमसे पूछ रही हूँ। तुम्हारे पल भर के सुख के लिए इस घर में रह रही हूँ। कपड़े बदलने की तरह घर बदलते हो। जब तुम्हारा मन करे मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँ। तुमने मुझे मंगलसूत्र पहना कर देवी का दर्जा दिया, इसके लिए तुम कुछ भी करो मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए जी रही हूँ। चार लोगों के सामने मुझे अपनी बीवी बोल सकते हो? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, ये बोल सकते हो? वो दिन कभी नहीं आएगा। मेरी बीवी होने के हक से ही तुम इस घोंसले के अंदर अभी तक महफूज हो, लेकिन जिस दिन मेरे बारे में इस दुनिया को पता चला उसी दिन तो उसे फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया है। इस सुल्तान के बारे में उसे सब कुछ अच्छी तरह बता दो, बता दो कि इसके लिए प्यार और जज्बात की कोई कीमत नहीं। मुझे चाहिए पैसा, पैसे के लिए कत्ल करूंगा, चोरी भी करूंगा। मजहब नहीं बदला लेकिन नाम बदल लिया मैंने, किस लिए जानती हो? सुल्तान की तरह जियो। हाँ मैं बादशाह। अरे नूर, बेटी उसे इस राह पर चलने को मजबूर किया था मैंने ही। बेटी अपने बदले को पूरा करने के लिए उसकी बलि चढ़ा दी। मैंने तो सिर्फ बदले की सोची थी, लेकिन उससे उसकी जिंदगी जहर बन जाएगी ये नहीं सोचा था। उसके पिता करीम जिले के लोगों के लिए जिस दुराई ने उसकी जमीन हड़पी थी उससे लड़ने गए थे। पुलिस की मदद से वो उस पर हमला करेंगे ये जानकर दुराई ने उन पर पहले ही हमला बोल दिया। हमला संभालना पाने की वजह से पुलिस वाले भागने लगे, लेकिन मेरे पति को एक पुलिस ऑफिसर ने गोली मार दी। दुराई अनजाने में हुई इस बेइज्जती से आग बबूला हो उठा। उसने पुलिस को खरीद लिया और कहा कि गांव वालों की वजह से उसे नींद नहीं आती। उसने पुलिस ऑफिसर को हुक्म दिया कि कैसे भी मेरे पति को 24 घंटे में पकड़कर उसके पैरों में लाकर डाले। घायल हुए मेरे पति कहां छुपे जानने के लिए पुलिस वाले इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। उन्हें मेरा बेटा मिल गया। बता दे मुझे तेरे सारे आदमी कहां छुपे हैं? तू मुझे मारेगा तो तुझे मारने के लिए उन लोगों को जिंदा रहना है। तू जान ले ले मेरी तो भी नहीं बताऊंगा। मेरे बेटे को मत मारो। ऐसे बच्चे को मारने से क्या होने वाला है? इसके पति के सामने इसकी इज्जत लूट लो। ये मुझे मार डालेगा, इसे शूट करो, शूट। ये जी। इस दुराई का विरोध करने वाले की सजा मौत है। ये जी, ये जी। तेरा पति कल पुलिस फायरिंग में मारा गया ये बोलना, नहीं तो तू और तेरा बेटा भी जिंदा नहीं बचेगा। मेरी इज्जत लूटकर मेरे पति को मार डाला और उससे बदला लेने के लिए मैंने अपने बेटे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। छोटी उम्र से ही उसे कठोर बना दिया। उसे सिखाया कि पुलिस और दुराई उसके दुश्मन है। आग में घी डालने से वो और भड़कती है। बदले की भावना ने ऐसे ही किया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने सोचा कि मेरा बेटा
एक माँ वाली ही है, लेकिन वो उससे भी बदतर हो गया। आज तुमसे शादी करके तुम्हें एक नौकरानी बना दिया, न जाने और कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह करेगा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। मामा जी, मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ मामा जी। मेरे बेटे को अरेस्ट करने वाले के साथ शादी करके मुझसे आशीर्वाद देने के लिए कह रही है तेरी बेटी, क्या जवाब देना? दे दे तू। वो बच्ची है, उसे माफ कर दो भैया। क्या कहा? हाँ। माफ कर दूं? मेरी बहन हो इसलिए तुम पर दया की है मैंने। तेरे पति के मरने पर तुझे और तेरी बच्ची को पाला पोसा मैंने, उसे पढ़ाया लिखाया, उसके बदले में अच्छा सिला दिया तुम लोगों ने, जिंदगी भर ना भूल पाने वाला दर्द दिया तुमने। मिस्टर भूचाल राव, एक कसूरवार को तुमने बचाना चाहा, तभी तुम्हारा कैरेक्टर जान गया था मैं। मैं कोई निठल्ला सड़क पे घूमने वाला आवारा नहीं, फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। सिर्फ पत्नी को ही नहीं, सासू माँ को भी ले जाऊंगा। चलो सासू माँ। आओ माँ। देख क्या रही है, जाना। जीवन देने वाले भाई के घर रहेगी या दामाद के घर जाकर उसकी रोटी पे पलेगी, तू ही फैसला कर ले। मैं यही रहूंगी भैया। गाड़ी चल बिल्लू।
दुख सी है तू, फूलों की खुशबू बलखा के चलती है क्यों। आ जा तू एक दिन बारात लेके अपना बना ले तू। वादा रहा ओ मेरी जान, होंगे जुदा हम तुम हम तुम। ये साथ मान लो, हर जीवन की सौगात मान लो। आज जो मोहब्बत की है अब तो शादी कर बिल्लो। तेरे रंग बिरंगी मैंने जिंदगी, तू जो संग है तो पास मेरे हर खुशी। किसी और को ना देना यारा दिल कभी, ये दीवानगी है क्यों करे तू दिल लगी। ना होंगे तुमसे हम जुदा, अगर ऐसा है तो मिलके कर ले हंगामा। हे रामा हे रामा हे रामा हे हे रामा, ओ हे रामा हे रामा हे रामा हे हे रामा। ओफो, तुम्हें वक्त का भी ख्याल नहीं रहता। सुल्तानों के पास वक्त कहाँ होता है, यही तो एक बंदिश है। अगर ऐसा है तो उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए। इंडियन वुमेन है ना, बहुत ही डेंजर। प्यार करते वक्त दिलवाली होती है, लेकिन शादी करते ही घरवाली हो जाती है। हाँ, तुम्हारे प्यार ने मुझे पागल कर दिया है, तुम्हारे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम उससे ज्यादा दिल लगी ना करो तो ही अच्छा है। आई एम सुल्तान। महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे और मैं 100 बीवी होने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में छपाना चाहता हूँ। तुम्हें कब क्या हो जाए मुझे इस बात का कितना डर है पता है। डोंट वरी, मैं कब किस देश में रहता हूँ कोई नहीं जानता। मेरा रूप तो मुझे जन्म देने वाले ब्रह्मा को भी नहीं पता। हाँ रेणु, ये गुड़िया ले ले। 2 साल बाद खरीदेंगे। 2 साल बाद क्यों? तभी तो हम बच्चे के लिए प्लान करेंगे ना। इसका मतलब बच्चे के लिए 2 साल इंतजार करेंगे? बुद्धू कहीं के, आपको कुछ नहीं पता। शादी के फौरन बाद बच्चा पैदा हो तो पति के हिस्से का प्यार बच्चे के ऊपर चला जाता है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे हिस्से का प्यार कम कर दूं। अरे बाप रे, इतनी अच्छी बीवी को मैं रिटर्न में क्या देने वाला हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, अब ऐसी भी क्या नाराजगी है? बस बस। अच्छा शॉपिंग हो गई? कब की। अमेरिका में तो होता है, अब इंडिया में भी नकली रिवॉल्वर से लूटना शुरू कर दिया। यू शट अप, ये असली रिवॉल्वर है। कम ऑन मूव। कौन है आप? ये सब क्या है? उसका पति एक बड़ा आदमी है ये कहकर चली गई। इतने दिन हो गए, माँ कैसी हो ना भी फोन करके नहीं पूछा उसने। तुम अब भी उसके बारे में सोचकर अपनी सेहत क्यों खराब कर रही हो? पति को भूल जाने की तरह उसे भी भूल जाओ। सोचा इस घर का पता ही भूल गई होगी, अभी भी याद है? बड़े गर्व से गई थी ना, अब किस मुंह से आई है? मामा जी, इस तरह बुलाने का हक सिर्फ मेरी बहू को है। अब इस घर से तेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। सर, पिछले 2 दिनों से हमारे साहब लापता है, इसलिए बहुत परेशान है। सुपरमार्केट से कोई उन्हें ले गया, अभी तक कोई खबर नहीं है सर।
आप मिनिस्टर हैं, जरा फोन करिए ना सर। फोन? मेरे बेटे को जेल भेजने वाले पर मैं दया करूं? शादी तो बड़ों के आशीर्वाद से ही होती है, बुजुर्गों ने ऐसा ही कहा है। प्यार और जिंदगी दोनों अलग अलग बातें, अब तू भी जान गई ना। जिसके जात पात का पता नहीं उससे शादी कर ली, अब कष्ट उठाओ। बस कीजिए मामा जी, सगे है सोच कर मैं आई थी तो बेइज्जती कर रहे हैं आप। जान चली जाए लेकिन आपके दरवाजे पर नहीं आऊंगी। तब राम ने सीता की लाश बचाई थी, आज सीता अपने राम को बचाएगी। चलो यहाँ से। ए ऑफिसर, मैंने ऐसी क्या गलती की है जो इस तरह मुझे टॉर्चर कर रहे हो? मैं कोई रावड़ी हूँ, गुंडा हूँ या डकैत हूँ? हंस क्यों रहे हो तुम? तू जो ड्रामा कर रहा है इसलिए। नो, मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, मैं बेकसूर हूँ। तू बेकसूर है? तेरे रखे हुए बम से जो लोग मरे हैं उनकी लाशों से पूछ, तू बेकसूर है? अपने दोनों हाथों से जिन लोगों का खून किया उनके खून के धब्बे तेरे हाथों पे होंगे, उन धब्बों से पूछ। तो मुझे कौन समझकर बात कर रहे हो? जो इंसान नहीं एक शैतान है उस टेररिस्ट सुल्तान से। मैं सुल्तान नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम रखकर और तरह तरह के भेष बदलना, यही है ना तेरी हकीकत? मिस्टर, मुझे अरेस्ट करने के लिए तुम पछताओगे। नो, मुझे गर्व है। एक फॉरेस्ट ऑफिसर को बिना किसी जुर्म के अरेस्ट करने के लिए मेरा डिपार्टमेंट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ऑफिसर, कोर्ट में जाकर तुम्हारी नौकरी छिनवाकर तुम्हें सड़क पर खड़ा कर दूंगा। तब तुम कितनी भी कोशिश करो तेरी नौकरी वापस नहीं मिलेगी। मेरी नौकरी जाने की मुझे फिक्र नहीं, लेकिन अगर तू सच नहीं बोला तो तेरे बदन की एक एक नस को मैं भजा डालूंगा। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो अभी तो पहले सबको बाहर भेज दे और उसके बाद मुझे मार दे, तब तुझे पता चलेगा कि तेरा क्या हाल होगा। तुझे खत्म करने में मुझे कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक हाथ से मारूंगा तो हड्डी चूर चूर होकर सेकंड में तू मर जाएगा। तुझे मारना मेरा मकसद नहीं, सच्चाई बाहर आने तक तेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। पति को कहां लेकर गए? कौन हो तुम? मेरा नाम रेणुका है, सुपरमार्केट से जिसे लेकर गए उस पृथ्वी की पत्नी हूँ। देखो बेटी, तुम किसकी बात कर रही हो मैं नहीं जानता, और पृथ्वी कौन है ये भी नहीं जानता। सुपरमार्केट से मेरे पति को तुमने ही किडनैप किया था। नॉनसेंस। मेरे पति को किडनैप किस लिए किया नहीं बताया तो नॉनसेंस बनकर मैं तुझे दिखाऊंगी। औरत हो इसलिए अभी तक इज्जत से बात कर रहा था? कौन है तू, कौन है तेरा पति? ब्लैकमेल कर रही है मुझे। टेक केयर। लगता है मार खा खा के बहुत थक गए हो तुम, अब सच बोलोगे या नहीं? गलत बात को जबरदस्ती सही मनवाने वाली पुलिस से मैं फेड अप हो गया। हाथ बंधे होने की वजह से मैं पलट कर वार भी नहीं कर सकता, तो बेहतर है शांत हो जाऊं। तुझे तो बोलना ही है, अपना पूरा नाम बता, अपने गांव का नाम बता, अपना इतिहास बता। मेरा नाम है पृथ्वीराज, नरसापुर का फॉरेस्ट ऑफिसर हूं।
ये बता किस जुर्म से बचने के लिए तुमने फॉरेस्ट ऑफिसर का भेस लिया? ताकि तुम्हारी असलियत कोई जान ना पाए, इसलिए फॉरेस्ट ऑफिसर का रूप धारण किया, और वो भी नासापुर का फॉरेस्ट ऑफिसर। दिस इज योर अपॉइंटमेंट ऑर्डर। सच बोल। श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया तो अर्जुन को ज्ञानोदय हुआ। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम यकीन करो कि मैं पृथ्वीराज हूं? ये तस्वीर तुम्हारी है ना? ये है डॉक्टर प्रसाद, ये है इंस्पेक्टर आजाद खान, ये है साइंटिस्ट चैटर्जी, और ये है वेंकट रमन का खून करते वक्त मेरा दिखा हुआ तेरा रूप। अब ये नासापुर का फॉरेस्ट ऑफिसर होने का लेटेस्ट रूप है ना तेरा? मुझे लगा था कि तुम मुझे किसी केस में फंसाना चाहते हो। अब पता चला कि मेरी शक्ल का कोई सुल्तान है और तुम मुझे सुल्तान समझ के टॉर्चर कर रहे हो। आई सी। रेनू का कौन है? रेनू का मेरी बीवी। प्लीज उसे कुछ मत करना। मुझसे प्रेम विवाह करने की वजह से उसका मामा और माँ दुश्मन बन बैठे। मुझे क्या हुआ है ये सोचकर वो बेचारी परेशान हो रही होगी। एक बार, सिर्फ एक बार जाकर उसे बता दीजिए कि मैं जिंदा हूँ ऑफिसर। इस शहर में तुम्हारे आदमी कहाँ कहाँ फैले हैं बता दो, फिर उसे बोल दूंगा। विश्वास करके धोखा खाना इसे ही कहते हैं। तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम्हारा सच बोलने तक ऐसा ही होगा। बंद कर दो। ए साहब, तुम्हारे बच्चे नहीं है, भाई बहन नहीं है, तुम में इंसानियत नहीं है क्या? मिस्टर अशोक, आप जो बोल रहे हैं ये वही पेपर है ना? आप इनके पति को बिना किसी ऑर्डर के ले गए हैं, ऐसा इन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है और उसका सबूत है ये डीओ पेपर। इस लेटर और फाइल से मेरा कोई संबंध नहीं। फिर किसका संबंध है जान सकता हूं मैं? दूसरे ऑफिसर का। कौन है वो ऑफिसर? दैट्स कॉन्फिडेंशियल, बता नहीं सकते। देन वी हैव नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट सर्च योर हाउस, दीज आर द कोर्ट ऑर्डर्स। तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा पर मैं कानून का सम्मान करता हूं। गो अहेड इंस्पेक्टर। अंदर कुछ भी नहीं मिला सर। ठीक है चलो। अब तो तुम्हारा शक दूर हो गया ना? नहीं, और बढ़ गया है। भगवान भी अगर आकर बोले तो भी नहीं मानूंगी। मेरी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। मेरे पति को तुम ही ले गए हो ये सच है। मैं दूसरी औरतों की तरह चुप नहीं रहूंगी। मेरे साथ न्याय, धर्म, नीति और मेरा विश्वास है। मैं अपने विश्वास को सही साबित करके रहूंगी। बेस्ट ऑफ लक। पृथ्वी को पृथ्वी को पुलिस डिपार्टमेंट पृथ्वी को पृथ्वी को आपका कहना है कि आपके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो क्या कहते हैं? पुलिस इनकार कर रही है। जब पुलिस से मुजरिम बन जाए तो जुर्म कैसे इकरार करेगी? आतंकवादी को पकड़ने के लिए एनकाउंटर करते वक्त बहुत मासूम मारे जाते हैं, उसका क्या? आप एक आतंकवादी की तरह बात नहीं कर रही हैं। तुम्हारे पति को पुलिस अरेस्ट करके उसे टॉर्चर करे तो तुम इससे भी बुरा बोलोगी। हाँ अच्छा, आपकी डिमांड क्या है? मुझे CBCID पर भरोसा नहीं है, इसलिए CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। अब मैं जो कहती हूँ वो सुनो। आने वाले 48 घंटे में इनके पति का चेहरा पुलिस ने नहीं दिखाया तो पूरे देश में महिला संगठन धरना और प्रदर्शन करेगी। वही डिमांड, CBI इंक्वायरी, वही डिमांड, CBI इंक्वायरी। यस सर, CBI ऑफिसर मुस्तफा साहब आए हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मुस्तफा, आइए आइए बैठिए। कहिए सर, आपने मुझे कैसे याद किया? बात ये सी है, आपको हैदराबाद फौरन जाना है। हाँ, ये हैदराबाद CBI CID से फाइल आई, प्लीज गो थ्रू इट। सुल्तान समझ के मेरे पति को अरेस्ट किया गया है कहके एक औरत महिला संगठन के साथ संसद पर धरना दे रही है। सेशन कोर्ट ने कुछ नहीं किया, पार्लियामेंट पूरी तरह हिल गया है। हैदराबाद में जिसे अरेस्ट किया गया है वो सुल्तान है या नहीं, मुझे इसकी जानकारी तुरंत चाहिए। सर, हमारी CBI की जानकारी के मुताबिक सुल्तान इंडिया में नहीं है। तो कहां है?
रब्बा रब्बा रे, इश्क देना सबको रे, इश्क ही तो जिंदगी है हारे बाबा हारे, हे हारे बाबा हारे। रब्बा 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 रे, इश्क देना सबको रे, इश्क ही तो जिंदगी है हारे बाबा हारे, हे हारे बाबा हारे। मेरा दिल ले लो रे, अपना दिल दे दो रे, हारे बाबा हारे, हे 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 हारे बाबा हारे। सांसों में हलचल मचा दो, जीने का हर पल मजा दो, आओ जरा इधर, जलवों का जादू चला दो, परवाना हो मैं जला दो, मुझको होठों से पिला दो, ये प्यार रात भर, सपने हर दम देखता हूँ तेरे मेरी जान, कर दे पूरी दिल की तमन्ना अब तो मेरी से, तेरे बदन से पर्दे हटा दो सभी, हारे बाबा हारे, हे 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 हारे बाबा हारे। रब्बा 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 रे, इश्क देना सबको रे, इश्क ही तो जिंदगी है हारे बाबा हारे, हे हारे बाबा हारे। का शिकारी ओ समझो ना कोई अनाड़ी, मरती मुझ पर हर कवारी, समझियो सुंदरी है तेरी आंखें कटारी, है तेरे बदन में तुम्हारी, है तेरी अदा सबसे प्यारी, सबसे है तू हसी, सुंदरियों की बाहों में चैन मुझे मिलता, लड़की मांगे दिल तो ना बोले ना बनता, छोड़ लाज मौका है आज अंग से अंग मिलने तो दे, हारे बाबा हारे, रे 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 हारे बाबा हारे। रब्बा 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 रे, इश्क देना सबको रे, इश्क ही तो जिंदगी है हारे बाबा हारे, हे हारे बाबा हारे। मेरा दिल ले लो रे, अपना दिल दे दो रे, हारे बाबा हारे, दिल दे मुझको तू रे, हारे बाबा हारे, दिल दे मुझको तू रे। चीयर। आप दोनों बाहर जाओ। क्यों क्यों? सुल्तान, सुल्तान बनने की ख्वाहिश रखने वाला दिन रात सिर्फ यही सोचता है, वो इस तरह वक्त बर्बाद नहीं करता। अप्सराओं से ही जन्नत है, जितनी ज्यादा हसीनाएं होंगी उतना ही बड़ा सुल्तान बनेगा। लेकिन सल्तनत चाहिए तो थोड़ा होशियार भी रहना पड़ता है, अगर पकड़े गए तो क्या खाक सुल्तान बनोगे? मुझे पकड़ने वाला इंडिया में कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ, और ऊपर से सभी को ये शक भी है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ या नहीं। तुम्हारी इसी जिंदा दिली का हम कदर करते हैं, तुम्हें भारत देश का सुल्तान बनाने के लिए हैदराबाद को सेंटर बना के भारत के सभी महानगरों को उड़ा देने के लिए मिसाइल बेस बना रखा है। एक सिग्नल, सिर्फ एक ही इशारा, सब कुछ स्मैश। नो, मैं किसी कीमत पर इसकी इजाजत नहीं दे सकता। वॉर इज नॉट अ क्राइम, लेकिन मेरे देश में जमीन का एक टुकड़ा भी बर्बाद हो जाए इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा। ये सच है,
हम तुम्हारे सर पर ताज रखने की सोच रहे हैं, लेकिन भारत सरकार तुम्हें जिंदा जला देने के लिए सोच रही है। ये सब तुम्हारी कल्पना और तुम्हारा भय है। नहीं, ये देखो, भारत सरकार ने तुम्हें पकड़ने का काम इस सीबीआई ऑफिसर को दिया है। इसका नाम क्या है? मुस्तफा। मुस्तफा, अब तू हो गया सफा। Excuse me. Can I have a light, please? Sure. Thank you very much. It's all right. अशोक हियर, दिल्ली से मुस्तफा बोल रहा हूँ। हेलो मुस्तफा साहब, हाउ आर यू? जस्ट एस्केप फ्रॉम बॉम्ब ब्लास्टिंग। व्हाट? यस, मेरी आंखों के सामने सुल्तान बम फेंककर भाग गया। बहुत नुकसान हुआ है, कितने लोग मरे नहीं जानता मैं। सुल्तान मेरी कस्टडी में, वहां कैसे बम फोड़ सकता है? समथिंग रॉन्ग, आई एम कमिंग। जिस तरह मरने से पहले श्रृंगार किया जाता है, उसी तरह मारने से पहले मुझे इंजेक्शन लगाकर ठीक कर रहे हो क्या डॉक्टर? इट्स माई ड्यूटी। यहां पर सभी लोग कैसी ड्यूटी कर रहे हैं बोलूंगा, सब कुछ बाहर निकलने पर बोलूंगा। आपका शक दूर हो गया है कि नहीं मुस्तफा साहब? ज्यादा हो गया। व्हाट? यस, एक बेकसूर को पकड़कर टॉर्चर करने के लिए मैं आपको शाबाशी देता हूं। मिस्टर मुस्तफा, मैं आंध्रा ऑफिसर, आप दिल्ली ऑफिसर। सीबी, सीआईडी और सीबीआई की आज तक आपस में कभी भी नहीं बनी है, और यह हकीकत मैं साबित करके दिखाता हूं। नो मिस्टर अशोक, यह सुल्तान नहीं है। मैंने अपनी आंखों से सुल्तान को देखा है, और मैंने सुल्तान के साथ सीधी सीधी फाइट की है। मैंने सुल्तान की आंखों में चीते जैसे कातिल को देखा है। इस पृथ्वी की आंखों में चीते की गंभीरता देखी है। अब मैं समझ गया हूं, यू आर अफ्रेड ऑफ सुल्तान। उसके कारनामे सुनकर, उसके बारे में नई नई कहानियां बनाकर इस केस से पल्ला झाड़ लेना चाहते हो, सच है ना? बचकानी बातें मत करो अशोक। सुल्तान ने मुझे मारने के लिए बम फेंका, उससे मैं बच गया तो शायद इस पृथ्वी की किस्मत से। यहां आए हुए 5 मिनट नहीं हुए, इतने में ये पृथ्वी ही है कह रहे हो?
हिटलर कभी भी अपने सिपाहियों को तैयार रहने के लिए कहता था। किस लिए? हिटलर ने पल भर के लिए भी झपकी ली तो कोई भी उसे मार सकता था। यहां भी ऐसा ही हो सकता है। मैं यहां हूं यह साबित करने के लिए। सुल्तान दिल्ली में अपने ही जैसे किसी आदमी से आप पर हमला करवाता है। मैं बहस नहीं करना चाहता। सेंट्रल मिनिस्टर ने मुझे एक केस सौंपा है। आई हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। ओपन द सेल, रिलीज हिम। डोंट ओपन द सेल। हम इसे रिलीज नहीं कर सकते। मैं होम मिनिस्टर से बात करके तुम्हें डिसमिस करा सकता हूं। मैं प्राइम मिनिस्टर को फोन करके रीअपॉइंटमेंट ऑर्डर ले सकता हूं। बिलीव मी मिस्टर अशोक, ही इज नॉट सुल्तान, ही इज पृथ्वीराज। नो, ही इज सुल्तान। नो, ये सुल्तान नहीं है। इसकी अकल ठीक कीजिए सर। शट अप। सुल्तान देखने में कैसा है? सुल्तान और ये एक जैसे ही है, तो क्या दोनों जुड़वा है? हो भी सकता है। देयर यू आर, ब्रिंग हर हियर। माँ। बेटा पृथ्वी। प्यार प्यार बाद में दिखाना। ये तुम्हारा ही बेटा है ना? हाँ साहब। ये एक ही बेटा है या जुड़वा पैदा हुए थे? बोलिए माँ जी, आपका जवाब ही आपके बेटे को बचा सकता है। मेरा एक ही बेटा पृथ्वी है। That's it। इसे ले जाओ। आइए माँ जी। मिस्टर अशोक, एक न एक दिन सच बाहर आएगा और उस दिन मैं बाहर आऊंगा और तुम अंदर आओगे। अब क्यों रो रही हो? तुम्हारे सामने टॉर्चर कर रहे पृथ्वी को दिखाया, तुम्हारे जुबान से वो रिहा हो जाता, लेकिन तुमने सच नहीं बोला। अगर तुम कह देती कि वो जुड़वा है तो वो छूट जाता था। पृथ्वी जुड़वा बच्चों में से एक है तो दूसरा बच्चा कहाँ है पूछेंगे? तब दोनों हमारे बच्चे नहीं है ये पता चल जाता ना। बताओगी नहीं तो पृथ्वी छूटने वाला नहीं सरस्वती। वो जुड़वा है, अगर ये बात मैंने बताई होती तो उसे पता चल जाता कि वो मेरा बेटा। I'm अशोक, CBCID। I'm मुस्तफा, CBI। I'm चक्रधर राव, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। अभी आप जो बात कर रहे थे सब कुछ सच है। पृथ्वी हमारा बेटा नहीं, वो एक करीमनगर जिले में गरीब परिवार में जन्मा हुआ मासूम बच्चा है। हमारी कोई संतान नहीं थी। हम कुछ रुपए देकर जुड़वा बच्चों में से उसे लेकर आ गए। वही है ये पृथ्वी। मैंने उसे आतंकवाद नहीं सिखाया, मिलिट्री रूल सिखाया है, मिलिट्री का अनुशासन सिखाया है। मिस्टर अशोक, अब तो पृथ्वी बेकसूर उसे रिहा कर दो। नहीं करेंगे। इनके सच बोलने पर भी तुम विश्वास नहीं करोगे? विश्वास किया। फिर उसे रिहा क्यों नहीं करते? सुल्तान को पकड़ने के लिए हमें एक हथियार मिला है पृथ्वीराज। पहले ही तुमने उसे सुल्तान समझ के जेल में रखा है, अब जानने के बाद भी वो सुल्तान नहीं है, रिहा न करके उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करोगे? ठीक है, तुम सुल्तान को अरेस्ट करके सरेंडर करवा कर अपना नाम कमा लो। नहीं साहब, नहीं। अब मेरे बेटे को और कस्टडी में मत रखिए, दया करके उसे छोड़ दीजिए। नो, उसे वहीं रहने दो। ये क्या कह रहे हैं? सरस्वती, बॉर्डर पे मेरे पैर जाने के बाद सीनियर ऑफिसर से मैंने क्या कहा था जानती हो तुम? पैर गया तो क्या हुआ, जान है ना। अपने देश के लिए मैं लड़ूंगा। पर उन्होंने इजाजत नहीं दी। अभी हमारे बेटे के जरिए मौका मिला है, उसे वहीं रहने दो। सर, उसे वहीं रखिए।
अब आप लोग यहाँ क्या गुल खिलाने वाले हैं? मैं जो कहूँ मानोगे तो कोई गुल नहीं खिलाएंगे। तो क्या टहलने आए हैं गनमुलेट लेके? वंदे मातरम गाने वालों को अंडमान जेल में डाला गया था ये तो सुना था मैंने। अब मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ। हमारी बात मानने से इस देश का और तुम्हारा भी भला होगा। हथकड़ी खोलोगे तभी तो कुछ करूंगा। इससे बात करके क्या फायदा, टेंट डालते हैं। कम ऑन मुस्तफा। टेंट? देखो पुलिस स्टेशन में टॉर्चर किया था वो कम था क्या जो सी शोर पर टेंट डाल के टॉर्चर करने आए हो? मेरी बीवी ने कहा था वो संसद तक जाएगी इसलिए मुझे यहाँ ले आए हो। पहले हथकड़ी खोलो, खोलो, बोलते क्यों नहीं जी? अशोक अब तो हम यहाँ हैं, उसकी हथकड़ी खोल दो। नो नो, जवान है हमारी बात नहीं मानने वाला, हथकड़ी खोली तो भागने की कोशिश करेगा। अशोक उसकी वजह से हमारा काम होने वाला है, हमें हथकड़ी खोल देनी चाहिए। मैं खोलता हूँ। ये लो चलो, हथकड़ी खोलने के बाद अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं। तुम्हारे अंदर तो इंसानियत है मुस्तफा भाई, लेकिन वो उसके अंदर तो रहम ही नहीं है। अशोक मेरी आंखों में बालू डाल दिया। किस्मत अच्छी है जो जान से नहीं मारा। बेचारा समझ के हथकड़ी खोल दी, मुझ पे अटैक करता है, तेरी तो कहां भाग के जाएगा? भागेगा? मेरी कस्टडी से भागेगा? ये दांत काटता है। भूख लगी होगी उसे, तुम स्वादिष्ट हो ये सोच के खा रहा होगा। ए, वो तो भाग गया। यहाँ से भाग कर कहाँ जाएगा, चारों तरफ समुद्र है, कहीं भी नहीं जा सकता, आखिर में यहीं आना पड़ेगा। रुको रुको, साहब जी नहीं है। ऑफिस में भी नहीं है तो फिर कहाँ गए? पता नहीं। शहर में है ना? पता नहीं। सेलफोन है ना? पता नहीं। ए, वो किस शहर में गए बता दो। पता नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं। मैडम जी इधर आना है। इसको इसके माँ बाप का पता नहीं है कह देगा। पहले तो अनजाना, उसे कैसे भी पटाके, कुछ भी करो लेकिन तुम इन्फॉर्मेशन ले आओ। तुम ये रुको। हाँ ए बॉस, हम दोनों एक ही हैं। मतलब ये एक ही जात, तुम वॉचमैन मैं भी वॉचमैन, तुम डे ड्यूटी करते हो मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ। उसका पता बताएगा तो मिल सकता है ना, नहीं बताएगा तो नहीं मिलेगा। चल जल्दी से बता दे कंजूस कहीं का। हाँ बोल जल्दी से। पता नहीं सर। सच में पता नहीं? शायद गोवा गए हैं, वो भी पता नहीं। ओहो, अभी तुम्हारे जेब में कितना रखा है? पता नहीं, पता नहीं है। ये बात है, फिर तुझे क्या पता है? तेरा नाम क्या है? पता नहीं है। पता नहीं, पता नहीं है। भूख लगी है। क्या करूं? पैर दर्द कर रहे हैं। बिना इंसानों की इस दुनिया में क्या करेगा बेटा? बाप रे, भूख से जान निकल जाएगी लगता है। बाप रे, खाने का फल है कि नहीं? अगर कहीं जहर निकला तो अपने अनजाना की तरह साइलेंट पर पागलों की तरह घूमता रह जाऊंगा। छी, उन दोनों के साथ जरूर मेरा कोई पिछले जन्म का रिश्ता होगा। ये तो आ गए, कहीं भी रहूं ये लोग मुझे ढूंढ कर वहां आ ही जाएंगे। चारों तरफ समुंदर है, शाम तक वापस आ जाएगा यही कहा था तुमने। वो क्या कोई हनुमान है जो समुद्र पार कर जाएगा? भूख लगी तो भाग कर आ जाएगा यहाँ। ये रहा तुम्हारा भोजन। उसे छोड़ के तुम्हें खाने का दिल कैसे कर रहा है? अरे बाबा कुछ नहीं होगा, बहुत ही स्वादिष्ट है, तुम भी खाना शुरू कर दो नहीं तो तुम्हारी बिरयानी गायब हो जाएगी। यहाँ फूड का पैकेट रखा था, वही होगा। देखो यहाँ से कहाँ जाएगा, कोई बंदर ले गया होगा। बंदर? देता हूँ जैसे देखे खा गया। यही रखा है, कहाँ बंदर ले गया, क्या है ये सब? अशोक वो रहा, भाग रहा है। पृथ्वी 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 रुक जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, रुको पृथ्वी रुक जाओ।
ओलंपिक रनिंग रेस में हमें कभी गोल्ड मेडल नहीं मिला, लेकिन इसे भेजेंगे तो जरूर मेडल जीत कर लाएगा। तुम्हें अभी कॉमेडी सूझी है? क्या हुआ अंजना, नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही है मैडम, आ जा तो ठीक है ना, थोड़ी भी झपकी आ जा तो ठीक है। गोवा कितने बजे आएगा? गोवा हमारे पास नहीं आएगा मैडम, हमें गोवा जाना है। कोई स्टेशन आ रहा है, कॉफी मिले तो लेके आता हूँ। टाइम कितना हुआ, टाइम टाइम कितना हुआ, बोलना नहीं आता है क्या है? तुम्हारा संबंध क्या है? वो क्या है कि वो अबा। चलो स्टेशन में बैठ के बात करेंगे। Who are you? Who is he? वो किसके लिए आए हो? चोरी करने का, स्मगलिंग करने का? बोलो, टेररिस्ट है तुम दोनों? बोलो। ये सब गोवा का पुलिस है मैडम, चुप रहेंगे तो स्मगलिंग में फंसा देंगे ऐसा बोलते हैं। हम लोग तो पैसे लेकर आए हैं ना, निकालिए निकालिए, इन पुलिस वालों को दे देंगे नीचे से ना तो चुप हो जाएंगे और हम छूट जाएंगे यहां से, है ना, जल्दी से दीजिए दीजिए। पैसा लो जी, हम जाते हैं, पैसा लो जी। पैसा दे रहे हैं मुझको, पैसा। कांस्टेबल सर, ये आदमी को अभी लॉकअप में बंद कराओ जी। ये दोनों का फिंगरप्रिंट्स लेके आंध्र पुलिस को इन्फॉर्म करो जी। पुराना रिकॉर्ड भी चेक करो, ले जाओ यहां से, उठाओ चल चल, जाओ अंदर जाओ। जाता हूँ, जाता हूँ, जाता हूँ। बैठो। तुम्हारी बकबक करने से ही ऐसा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, वॉचमैन की तरह ये भी पैसा लेकर सोचा, अब हमें भगवान भी नहीं बचा सकते, सिर्फ साहब ही बचा सकते। उन्होंने बम कैसे छुपा के रखे थे मैडम? अरे बाप रे, बम फेंकने वाला तुम्हारा पति है? ऐसा मत बोलना आप मैडम, नहीं तो परमानेंट हम लोग यही रह जाएंगे। उनके लिए मैं यहाँ परेशान हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी फिक्र तक नहीं की और भाग गए वहां से। आप मत रोइए मैडम।
गुड, वेरी गुड। मैं बेकसूर हूं जानने के बाद भी सुल्तान मेरा हमशक्ल है, इसलिए मेरे जरिए उसे पकड़ने की सोच रहे हो तुम लोग? हाँ, किसने दिया तुम्हें ये परमिशन? दिस कंट्री, एक मिलिट्री वाले का बेटा देश के लिए कुर्बानी देगा ऐसा स्वीकार किया था। परमिशन देने से पहले मेरे भरोसे पर आई रेणुका के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे मेरी बीवी से अलग कर दिया, इसके लिए तुम्हें पाप लगेगा, यही हाल तुम्हारे बीवी और बच्चों के साथ होगा। उनके बारे में कुछ भी बोला तो मैं तेरा क्या करूंगा, मैं नहीं जानता। उनके बारे में तुझे क्या मालूम, देश के लिए अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दे दी इन्होंने। एक आतंकवादी ने कहा कि वो इनके बीवी बच्चों को मार देगा तो भी इन्होंने कोई परवाह नहीं की। किस लिए? देशभक्ति। क्या दिया तुम्हारी देशभक्ति ने? क्या देशभक्ति ने तुम्हारे परिवार को बचा लिया? क्या तुम्हें कोई सुख दिया? मन को तृप्ति मिलती है। यह आत्मद्रोह है। नो 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 नो, आत्मा आनंद। बाहरी लोग हमारे देश पर कब्जा करके हमें फिर से गुलाम ना बना दे, इसके लिए कितने ही सैनिक सीमा पर अपने परिवार को छोड़कर देश की हिफाजत ना करते तो आज हम लोग यहाँ बैठकर शांति से बातें कर पाते क्या? कुर्बानी देने वाले शहीदों के लिए हमारे देश ने क्या किया? सेंट्रल में बैठकर बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। देश की सेवा करने वाला राज्य और केंद्र की बातें नहीं सोचता, सिर्फ देश के बारे में सोचता है। देश के लिए कुर्बानी देकर क्या होने वाला है? कुर्बानी देनी है तो सबको देनी चाहिए, आम नागरिक कोई नहीं। दुष्ट मंत्रियों से जाकर क्यों नहीं कहते कि देश के लिए कुर्बानी दे? वो तो अपने काले कारनामों का काला धन स्विस बैंक में जमा करते हैं, वो कभी कुर्बानी नहीं देंगे देश के लिए। कल को अगर मैं इस काम में मर जाता हूँ तो मेरे होने वाले बच्चे और मेरी बीवी को कौन खाना खिलाएगा? एक परमवीर चक्र प्रदान करके ताली बजाकर चलते बनोगे, इस तरह के अवार्ड के लिए देश के लिए कुर्बानी देकर शहीद कहलाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। साहब वो उठ गया। मारो साले को। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर प्लीज, आज देर चले ही हैं। आई टेल द ट्रुथ, आई एम हिज वाइफ। व्हाट? योर सुल्तान्स वाइफ? नो, माय हस्बैंड नेम इज पृथ्वीराज। तुम झूठ बोल रही हो। कांस्टेबल, इनको भी थर्ड डिग्री अप्लाई करो। नो। तुम सॉरी रेणुका। साहब, पृथ्वी साहब बम फेंककर चले गए, इसलिए मेरे को अंदर कर दिया था। 5 मिनट पहले आना था ना, मेरे को कितना मारे। इंस्पेक्टर, लीव देम। कांस्टेबल, उन लोगों को छोड़ दो। यस यस, आई विल लुक एट इट। नहीं, सुल्तान को पकड़ता है। डोंट मूव। इतनी जल्दी हाथ आ जाओगे नहीं सोचा था सुल्तान। सुल्तान नहीं, हम दोस्त। माय गुडनेस पृथ्वी, ट्रेमेंडस। सीआईडी ऑफिसर होके जब मैं तुम्हें नहीं पहचान सका तो फिर कोई नहीं पहचान सकता। अब कुछ सोचे बिना ही हम लोग मिशन पर काम करते हैं। देखो, एक गोवा रेलवे स्टेशन के पास से मिला हुआ सुल्तान का सेल फोन है, इससे की गई सारी कॉल ट्रेस कर ली गई है। इसमें सिर्फ एक ही नंबर पे ज्यादा कॉल है, वो नंबर किसी वंदना लेडी का। वंदना का सुल्तान से क्या संबंध है हम नहीं जानते। एट योर रिस्क, तुम्हें पता करना होगा। तुम बातें करने और देखने में सुल्तान की तरह हो। इस देश की हिफाजत के लिए तुम एक हथियार हो। तुम्हें हर कदम पर सफलता मिले, अब हम यही दुआ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने देश पर आंच नहीं आने दूंगा। हाय डार्लिंग, अभी कहां हो? तुम्हारे सामने ही हूं। हाय हाय। अरे वो तो बड़ा किस्मत वाला है। क्यों जी, तुम मुझे इस तरह से देख रहे हो जैसे तुम मुझे पहली बार देख रहे हो। कोई और मिल गई है क्या तुम्हें? ऐसी बात नहीं। जब भी आते हो मुझे बिस्तर पर फौरन ले जाते हो। ऐसा करता है क्या? What? नहीं, ये कह रहा था कि ऊपर वाले ने बड़ी मेहरबानी की है कि हम दोनों को मिलवा दिया। अल्लाह बोलने के बजाय आज ऊपर वाले बोल रहे हो। अब ये सब बेकार की बातें छोड़ो, देर हो रही है, जल्दी से नहा लो, चलो चलो। हम्म।
मैं हूं पृथ्वी। इस लेडी को लगता है कि कुछ पता नहीं, सुल्तान के बारे में कोई क्ल्यू नहीं मिला है ऐसे। कैसे भी उसके साथ जामा करके सुल्तान के बारे में जानू। ओके ओके करता हूं। किसका फोन था? टॉप सीक्रेट। क्यों जी, मूड नहीं है क्या? मैं मूड बनाऊं क्या? नो, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे अर्जेंट घर जाना है। ओके लेट्स गो। भैया कैसी हो माँ? ये मेरा ही बेटा है ना। क्या हुआ माँ, ऐसे अनजानों की तरह क्यों देख रही हो? नहीं कुछ नहीं बेटा, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। इतनी हैरानी से क्यों देख रही थी? रूप बदलता हूँ। कब आए? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? मेरे घर में आता ही तुझे क्या करना चाहिए? ड्रिंक देना और तंदूरी चिकन बनाना और सिगरेट देना। जल्दी जल्दी सब इंतजाम करो, पहले चाय लेकर आओ। हाँ लाती हूँ, दीजिए माँ जी। सुल्तान, सोचा ये मेरा बेटा है या नहीं, लेकिन ये मेरा बेटा ही है। अरे नूर, पार्सल आया क्या? तुम्हारे पास ही रखा भैया, देखो। अरे पी रखे क्या? नहीं भैया, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं इस समय दुबई में हूँ। ये क्या भैया मजाक कर रहे हो, मेरी आंखों के सामने तो अंदर गए। अरे चुप। अल्लाह कसम भाई, अभी तो वंदना आपको ड्रॉप करके गई है। वंदना, हम सुल्तान दुबई से। तुम दुबई में हो तो अभी तुम्हारे घर में? No! Hello! No! Hello! Hello! She is dead. पृथ्वी को हमें फौरन अलर्ट करना होगा।
इसके पहले मेरा हमशक्लर कभी घर में आया या नहीं मैं ये नहीं पूछूंगा। जन्म देने वाली माँ और मेरी जीवन संगनी बीवी, तुम दोनों कैसे नहीं समझ पाए कि वो मैं हूं या कोई और है, मैं ये भी नहीं पूछने वाला। लेकिन मुझे एक सच जानना है मां, वो तुम्हारी कोख से जन्मा है या मैं उसकी मां की कोख से जन्मा हूं। अगर तुम नापाक नहीं हो तो मेरा ये हमशक्ल कहां से पैदा हो गया, बोलो कौन है वो? तेरा भाई। पिता की मौत से पहले पैदा हुआ या मरने के बाद पैदा हुआ? अरे मैं तेरी मां हूं, देश धर्म न्याय को तो गाली देते ही रहता है तू, लेकिन मां को ही। खामोश, इस सुल्तान में सेंटिमेंट्स नहीं है। गलती करने वाली चाहे मां हो, बच्चा हो या बीवी हो, वो खत्म। बोलो वो कैसे मेरा भाई है? तुम दोनों जुड़वा हो, हम जिस हालत में थे तुम दोनों को ठीक से पाल ना सके, और उस वक्त तुम दोनों की हालत बहुत खराब थी। तभी वहां एक मिलिट्री अफसर आया और उसने एक बच्चा उन्हें देने के बदले रुपए की पेशकश की। पैसे के लिए उसे देकर मैंने उसके हक का दूध भी तुझे पिलाया और वो डिब्बे का दूध पीकर बड़ा हुआ। और तुझे अपनी माँ पर विश्वास नहीं है? अरे मेरे पास पलने के पाप से तू एक आतंकवादी बन गया। मिलिट्री ऑफिसर के पास पलने के पुण्य से वो फॉरेस्ट ऑफिसर बन गया। तुझे बेटा कहने के बजाय उससे बेटा कहने में मुझे गर्व महसूस होता है। रोज रोज जिस बात से मैं डरती थी आज वो भी हो गया। हम दोनों मौत के मुंह से वापस आ गए। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। मार दो अंधेरों को, मार दो, मार दो, मार दो। आज तूने मेरी आंखें खोल दी माँ, भाई ने मेरी आंखें खोल दी माँ, मुझे अकल दे दी है माँ। मैं एक ऐसा नालायक बेटा हूँ कि मेरी अपनी माँ बद्दुआ देती है। मैं एक ऐसा पति हूँ जिसकी वजह से उसकी पत्नी कष्ट उठाती है। मेरे इस तरह जीने का क्या अर्थ है माँ? सगे भाई के हाथों मरने से तो यही बेहतर होगा कि छोटे भाई से सीख लेकर बड़ा भाई सही राह पर आ जाए। तुम मुझे जैसा देखना चाहती हो माँ, मैं वैसा बन के दिखाऊंगा। मैं एक ऐसा पति बनकर दिखाऊंगा जिसके लिए उसकी पत्नी गर्व से कह सके ये उसका पति है। रेवती, मेरा जुर्म से कमाया हुआ ये काला धन, सोना और डायमंड देकर मैं सरेंडर होना चाहता हूं। मैं खुद जाता लेकिन मुझे देखते ही वो लोग गोली मार देंगे। मुझे मौत का डर नहीं है, लेकिन इस पल से मुझमें अपनों के लिए जीने की ख्वाहिश जागी है। हाँ, तुम उनके पास जाकर मेरी जिंदगी की गारंटी मांगो और कब कहां सरेंडर होना पूछ किया हो। कुछ दिन जेल में रहना होगा, इसके बाद हम सब मिलकर खुशी से रहेंगे, छोटे भाई को भी साथ रखेंगे।
धोखा लेकिन कभी जानू देना ना तू नाम किसी दूसरी का लेना ना तू अब तो लग जा गले नच ले ओए दो पल में प्यार छलका क्यों दिल किसी का धड़का मिल मुझसे मैं तेरी दीवानी मेरी मंजिल है तू तू प्रियतमा तू जानलेवा कातिल है तू ये मैं जानू रे मैं तुझसे हारी दो पल में प्यार छलका क्यों दिल किसी का धड़का ऐसी बात मुझसे करना ना चांदनी लगे ये बदन तेरा रात रानी खुशबू का नशा सुल्तान की बीवी है उसे अंदर आने दो अप्रूवर बनकर आई हो तुम नहीं मेरे पति सरेंडर होने के लिए तैयार है इसमें उनका जुर्म से कमाया सोना और डायमंड्स है इट्स ऑल राइट खुद आने के बजाय उसने तुमको क्यों भेजा वो अगर आपके सामने आते हैं तो आप उन्हें गोली मार देंगे इस डर से मुझे भेजा है अगर आप माफी देंगे तभी वो सरेंडर करेंगे खून करने वालों की ये स्टाइल हो गई है नक्सलाइट हो या टेररिस्ट हो सभी एक जैसे होते हैं अगर माफी मिलेगी तभी सरेंडर करेंगे पहले अपने पति को सरेंडर होने को कहो फिर सोचेंगे बिंदी चूड़ियां मंगलसूत्र ये सब मैंने तुमसे नहीं मांगा पति से सरेंडर होने को कहो मेरे पति आपके सामने आए तो आपका यही हाल होना है उनके ऊपर आपको कितना गुस्सा है ये मैं जानती हूँ एक नहीं उन्होंने हजारों जुर्म किए हैं ये भी जानती हूँ अगर इस औरत की बातों पर विश्वास करें कि ये सच बोल रही है तो हमें देखना होगा कि सुल्तान ने वाकई सोना और डायमंड भेजा है कि नहीं प्रेग्नेंट नहीं मुझे नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए नहीं चाहिए आप एक फिर मत आओ उस आदमी का बच्चा मुझे नहीं चाहिए मैं मर जाना चाहती हूँ नहीं उसका वारिस नहीं चाहिए कहने का कोई मतलब नहीं इस वक्त सबसे बड़ा नुकसान सुल्तान को ही होगा सरेंडर हो रहा हूँ ये कह के उसने तुम्हें ही भेजा है लेकिन
उसने तुमको भी मारने का किस तरह का प्लान किया देखा तुमने? अब तो सुल्तान के बारे में कोई सबूत हो तो बोलो। सच में मुझे नहीं मालूम सर, वो कब आता है कब जाता है किसी को नहीं मालूम। माँ को माँ, बीवी को बीवी जैसा कभी ट्रीट नहीं करता। मुझे सिर्फ ये सूटकेस देकर आपके ऑफिस में जाकर देने को कहा था। उसका कोई फोन नंबर या सेल नंबर जानती हो? फोन नंबर हाँ, अक्सर वो एक नंबर पर फोन करता था। वो नंबर क्या है? नंबर 35 मस्जिद स्ट्रीट। मिस्टर अशोक, उसका मिशन फेल हो गया, सुल्तान को पता चल गया हो। मैं इस पते पर जाके कोई क्लू ढूंढता हूँ, तुम हेडक्वार्टर जाकर फॉलो करो। क्या होगा हमें पता नहीं। ये लो माइक, बात करते समय माइक ऑन कर देना, कोई मुसीबत आए तो हम आ जाएंगे। आइए बाबी, अंदर आइए। वो कहाँ है? Something wrong. मैंने तुझे अपने हाथों से खिलाया है, भाभी बुलाने पर तुझे 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 अपना बच्चा ही समझा।
सर, सर, दोस्त, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने कहा था ना कि देश के लिए कुर्बान हो गए तो सिर्फ परमवीर चक्र से नवाजेंगे, लेकिन अब वो सम्मान मुझे मिलने वाला है। अशोक, प्रॉमिस मी, अगर मैं मर भी गया तो भी सुल्तान को पकड़ने का मिशन खत्म नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू द मिशन। भारत माता की जय। मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो सुल्तान मेरा हमशक्ल है, उसने धमकी दी है कि वो रेणु को मार डालेगा। अभी अभी इंफॉर्मेशन आई है। कम ऑन, तुम्हें सेव करके एक हफ्ता अंडरग्राउंड रखना होगा। उसके लिए अभी नो, अभी कुछ मत बोलो, अभी टाइम नहीं है। चलो, मैंने इंतजाम कर रखा है। चलो कम ऑन। माँ, 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 ये क्या बेटा लौट कर आ गए? अंदर कुछ रखा होगा, भूल गया होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? रेणु, रेणुका? अभी तो लेकर गए थे ना। किसको? रेणुका को? मैं लेकर गया। हाँ, तू ही तो लेकर गया। बोल रे, सुल्तान कहाँ है? रेणुका को कहाँ रखा है? हेलो, मिस्टर अशोक, ट्रेस द कॉल। फोन कहां से है ट्रेस करने को कह रहे हो ना? पृथ्वी की वाइफ को क्या किया? उसका अभी तक रेप नहीं किया है। नूर को जिंदा छोड़ दोगे तो उसे हम भी कुछ नहीं करेंगे। सुल्तान, तुम हमारे भाई हो, भाई है रे तू हमारा। कल को मैं इस देश का सुल्तान बनूंगा, और अगर मैं सुल्तान बन गया तो तुझे भी किसी रियासत का सुल्तान बना दूंगा। बेवकूफ, नूर को छोड़ने को बोल। तेरी बीवी को मारने वाले नूर को छोड़ने के लिए कह रहे हो? उसने तेरे साथ मिलके मुझे पकड़वाना चाहा, वो मेरी बीवी है तो क्या हुआ? तू क्या सोचता है भाई और बीवी होने के नाते मैं कुछ नहीं करूंगा? उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बक्से में बंद करके तेरे पास भेज दूंगा। नो, तुम्हारी मांग नूर को रिलीज करने की है ना? नो नो नो, नूर अकेला नहीं, उसके साथ मुझे 100 मिलियन चाहिए। नॉट इंडियन मनी, आई वॉन्ट इन अमेरिकन डॉलर। 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स? देश छोड़ के बाहर भाग रहा है? मैं क्यों देश छोड़कर जाऊंगा? इस देश पर तो मैं राज करने वाला हूँ। तुम दोनों, तुम्हारी मिलिट्री, तुम्हारी पुलिस, सबके सब मुझे सैल्यूट करेंगे। दारू पी रखी है क्या? अभी तक मैं शांति से बात कर रहा हूँ। नूर और 100 मिलियन कहाँ देने हैं बाद में बताऊंगा। 24 आवर्स टाइम। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं मिसाइल दाग कर इस पूरे देश को तबाह कर दूंगा। अबे यो, क्या सोच रहा है? देख, पैसा देख। Thank you.
अच्छा अशोक, कहाँ जा रहे हैं आप? हेडक्वार्टर्स को मैसेज देने के लिए। वो किस लिए? स्पेशल कमांडोज को मंगाना है। मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ। ये ऑर्डर मुझे देना है। लेकिन उसके पास मेरी बीवी है। सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, हमारा देश भी है और वो ज्यादा जरूरी है। मिस्टर अशोक, मिस्टर अशोक, क्या आप भागने के बारे में सोच रहे हैं? नो, नाउ ऑनवर्ड्स वी आर टू मेन आर्मी। तुम इस तरफ जाओ, मैं उस तरफ जाता हूं। मिस्टर अशोक, मेरी वाइफ के लिए आप सरेंडर होने जा रहे हैं ना? पत्नी बच्चों को खोने की वजह से वो दर्द मैं जानता हूं। मिस्टर अशोक, ऑल द बेस्ट। आइए आइए अशोक साहब, आइए। रेणुका को छोड़ दो। हाँ? मेरा डुप्लीकेट मर गया? तू बड़ा हिम्मत वाला है रे। सभी भारतीय हिम्मत वाले होते हैं। हा? मैं भी तो भारतीय हूँ रे। नो, जिस दिन तूने हमारे दुश्मनों से हाथ मिलाया उसी दिन से तुझे भारतीय कहलाने का कोई हक नहीं है। आई सी, ये देश तुम्हें इतना प्यारा है। मेरे खून के हर कतरे से पूछो, मेरी हर सांसों से पूछो, यही जवाब मिलेगा। क्या किया तुम्हारे देश ने? यहाँ करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं, लाखों लोग वैश्यावृत्ति में शामिल हैं, विदेशियों को अपने सर पर बैठा रखा है। वो देश जिसने हमारे लिए आज तक कुछ भी नहीं किया, उस देश के प्रति तुम्हारे अंदर इतना प्यार क्यों है? दुनिया भर में हमारे देश की जैसी संस्कृति और तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। रावड़ी गुंडे और स्मगलरों को वोट डाल के सभी गुनहगार मंत्री बन जाते हैं इस देश में, और ऊंचे पद पर बैठे अधिकारियों को उन्हें सैल्यूट करना यही संस्कृति है? नो,
इन सबको सजा मिलनी चाहिए। कल मैं इस देश का सुल्तान बनके काला धन जमा करने वालों की आंखें फोड़ दूंगा, रेप करने वालों का अंग काट दूंगा, चोरी स्मगलिंग करने वालों के दोनों हाथ काट दूंगा और देश का स्वर्ण युग और वसंत काल जैसा माहौल मैं दोबारा वापस लेकर आऊंगा। सभी को हर सुविधा मिले, इस तरह की देश में खुशहाली अपने इन्हीं ताकतवर हाथों से लेकर आऊंगा। तब तक ये देश रहेगा तब ना? क्यों नहीं रहेगा? मैंने कहा लोगों को मारूंगा, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। ये सब तेरा वहम है, दिन में सपने की तरह। तूने जिनके साथ हाथ मिलाया है उनका प्लान पूरे भारत का सर्वनाश करने का है। सब कुछ यहीं पर है, यहाँ पर सारी मिसाइल्स तैयार है। इस देश के दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहरों को पूरी तरह से तबाह कर देने के लिए। यकीन नहीं आता तो इनसे पूछो ये सही है कि गलत। बोलो भाई बोलो, अल्लाह की कसम बोलो, तुम सिर्फ मुझे सुल्तान बना रहे हो, इस देश की तबाही नहीं सोच रहे हो, इनको बताओ। और 17 मिनट में तेरा ये सारा देश तबाह हो जाएगा। इतना सा था तो जंगल से भागकर रेल पे चढ़ के तुम्हारे साथ हाथ मिला है। उस दिन से आज तक तुम्हारे साथ हाथ मिलाकर काम किया इसके लिए? हाँ, तुम सुल्तानों सुल्तानों ये बात मेरे कानों में भर भर के क्या करने जा रहे हो तुम लोग? अगर शहर को तबाह कर दिया तुमने तो मैं कहां जाकर रहूंगा? बताओ कहां का सुल्तान रहूंगा? बोल रहे बोल, बोलता क्यों नहीं? देश को तबाह करने वाले हो, धरती मां को बोलो। जब मैं बहुत छोटा सा था तभी से मेरे दिल में ये अरमान हुआ करता था कि एक दिन इस देश का सुल्तान बनकर इस पर एक छत्र राज करूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे सपनों के कातिल सबसे पहले तुम्हें मारूंगा।
भाग जाओ माँ, ये बहुत खतरनाक चीज है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान जा सकती है। मर जाओ तो कोई बात नहीं, एक माँ के लिए उसका सब कुछ उसका बच्चा ही होता है, लेकिन आज एक माँ देश के लिए अपने ही प्यारे बच्चे को मारेगी। गलती हो गई माँ, जानती हो माँ ये मिसाइल हमारे देश को ही बर्बाद करने जा रही है। सुल्तान खत्म हो गया माँ, जब पता चला मुझे सुल्तान बनाना नहीं उनका मकसद हमारे देश को बर्बाद करने का है तो मैं पूरी तरह बदल गया माँ। सुल्तान नहीं, तुम पास मत आना, तुम पास मत आना। मैं मरूंगा तो सिर्फ देश का नुकसान होगा, लेकिन ये जिंदा रहा तो पूरी दुनिया का नुकसान हो जाएगा। ये सब कौन है और क्या करना चाहते हैं ये मैं अच्छी तरह जान गया हूँ। अब मैं दिया करूंगा।